नमो नमः। रुचिरा इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां प्रियछात्राणां स्वागतम्। छात्राः वयं भवन्तः अहं च वयं सर्वे मिलित्वा अद्य क्रीडा स्पर्धां करिष्यामः। खेल की प्रतियोगिता, ठीक है। तो खेल की प्रतियोगिता नामक जो पाठ है हमारा, उस पाठ को पाठ के क्रमांक 9 को जानेंगे, ठीक है। जो क्रीड़ा से संबंधी, जो खेल से संबंधित जितनी बातें होती हैं, खेल से संबंधित जितने नाम संस्कृत में होते हैं, उसको संवाद के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो देखते हैं, तो का स्पर्धा, कौन सी स्पर्धा की बात कर रहे हैं, कौन सी प्रतियोगिता। बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती है, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं कि क्रीड़ा स्पर्धा, प्रश्न किया हमने का स्पर्धा, तो उत्तर मिला क्रीड़ा स्पर्धा। जैसा प्रश्न वैसा ही उत्तर, का स्पर्धा, क्रीड़ा स्पर्धा। अच्छा, फिर एक प्रश्न किया हमने, कस्याः स्पर्धा, किसकी स्पर्धा, तो बोला क्रीड़ायाः स्पर्धा, खेल की स्पर्धा। खेल में पार्टिसिपेट करेंगे, खेल में फिर हमारी स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा होगी, ठीक। तो इसको हम एक किसके माध्यम से, संवाद के माध्यम से, अगर आप अभी ऑनलाइन ना हो करके हमारे समक्ष होते तो हम इसको आपको संवाद के माध्यम से पाठ में कराते, चैप्टर पूरा क्लास में कराते। लेकिन कोरोना के कारण से हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप हमारे समक्ष नहीं है, लेकिन हैं। आप अपने आप को एक एक पात्र दे दें और उसके बाद उसको पढ़ें, बहुत आनंद आने वाला है, ठीक है। तो विभक्ति प्रयोग, विभक्ति क्या होती है, जैसे कोई सेंटेंस लिखा हमने, ठीक है, हमने वाक्य लिखा कि बालकः खेलति, खेलने से संबंधित हमारा चैप्टर है, ठीक है। अब जो खेलती है वो क्या है, वर्ब है, क्रिया है, ठीक है। और बालक क्या है, सब्जेक्ट भी है, लेकिन जो करता होगा, सब्जेक्ट यानी करता, ठीक है, करता की हमेशा ही प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हमने शब्द रूप सुने होंगे, रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान्, रामेण रामाभ्यं रामहि, रामाय रामाभ्यं रामहि, ठीक, रामेभ्यः। तो इस प्रकार से वो प्रत्येक की जो विभक्ति है, ठीक है, उसको हम जो प्रथमा विभक्ति होती, पहली वाली जो लाइन होती है सात विभक्तियों में से, वो पहली लाइन कर्ता कहलाती है, यानी कि कर्ता कारक, उसकी कौन सी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। तो यही विभक्ति का प्रयोग हम आज जानेंगे, ठीक है। और इसमें होगी प्रथमा विभक्ति बालक, क्योंकि प्रथम पुरुष का कर्ता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर खेलती क्रिया भी प्रथम पुरुष की हुई। अब हम चलते हैं चैप्टर की ओर। हुमा एक कोई संवादात्मिका है, ठीक। यूयम कुत्र गच्छथ, तुम सभी कहां जा रहे हो। इंद्र, वयम विद्यालयम गच्छामः, हम सभी विद्यालय जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। अच्छा, फेकना दूसरा एक पात्र है, वो कहता है तत्र क्रीड़ा स्पर्धा सन्ति, वयम खेलिष्यामः, क्योंकि हमारे विद्यालय में क्या है, आज प्रतियोगिता है, किसकी, खेल की प्रतियोगिता है, इसलिए हम सभी खेलेंगे, ठीक है, वयम खेलिष्यामः। रामचरणः एक दूसरा पार्ट है, ठीक है, वो कहता है कि स्पर्धा केवलम बालकेभ्यः एव सन्ति, क्या जो सारी प्रतियोगिताएं हैं, ठीक है, वो केवल बालकों के लिए है, ओनली मेल, ठीक है, केवल स्टूडेंट जो अपने मेल स्टूडेंट है उन्हीं के लिए है, क्या बालिकाओं के लिए नहीं है, रामचरण पूछता है। तब प्रसन्ना जो कि बालिका है वो कहती है नहीं, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति, केवल बालक नहीं खेलेंगे, बालिकाएं भी खेलेंगी, अपि भी खेलेंगी, ठीक है। रामचरणः पुनः कथयति, रामचरण फिर से कहता है किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्था, क्या तुम सभी एक ही दल में हो, ठीक है, क्या तुम सभी एक ही दल में हो, क्या तुम सभी एक ही दल में। देखो मैंने बताया था आपको बालकः खेलति, तो यहां देखो कैसे कैसे वाक्य आ रहे हैं।
तुम खेलते हो, हम खेलते हैं, यानी किसके साथ? जब हम होगा तो क्रिया क्या होगी, जब तुम होगा तो क्रिया क्या होगी, जब तुम सब होगा तो क्रिया क्या होगी, उसको एक बार बताने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो जैसे पहला वाक्य है यूयम कुत्र गच्छत, तो जहां भी यूयम शब्द आएगा बेटा, ठीक है, यूयम क्या है, एक सब्जेक्ट है, तुम सभी, ठीक है, इसके साथ हमेशा जो क्रिया होगी वो क्या होगी, था होगी, गच्छत मुसब्बत हो गया, उसके साथ लग जाएंगे था बिना विसर्ग का, ठीक है, यूयम गच्छत। उसके बाद वयम, जहां भी आएगा हम सभी, ठीक है, यूयम तुम सभी, वयम हम सभी, गच्छामः, यानी कि इसके साथ आमः शब्द जुड़ जाएगा, ओके, वयम के साथ आमः, यूयम के साथ था, ये वाला, ठीक है। आगे है शब्द को, नया शब्द क्या है, वयम खेले श्यामम खेलेंगे, ठीक है, स्पर्धा सन्ति, ठीक हो गया, बालिका भी खेले सन्ति, ठीक है। अब जब देखो बालिका खेलति, अगर बालिकाएं भी खेलेंगी होता तो क्या होगा, बालिका, बहुत सारी बालिकाएं हैं तो उसमें अंति आ जाएगा, तो खेले सन्ति, अंति आया लास्ट में, कल भी बताया था, आजकल जो हमारा जूम ऐप चल रहा है उसमें जो हमारे क्लासेस चल रही है उसमें बता रहे हैं कि बहुवचन जहां होगा वहां अंति का प्रयोग करेंगे, आह है यहां उसमें अंति आएगा, ठीक है। तो यहां तक हो गया, तब उसने कहा क्या तुम सभी एक ही दल में हो अथवा पृथक पृथक दल, क्या तुम अलग अलग दल में हो। तब प्रसन्ना कहती है तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, यानी कि बालक और बालिकाएं मिल करके एक गेम खेलते हैं, खेलेंगे, फेकना, जिसने सबसे पहले कहा था कि वहां स्पर्धा है, ठीक, वो कहता है आम बैडमिंटन क्रीडायाम मम सहभागिनी जूली अस्ति, यानी कि बैडमिंटन की खेल में मेरी जो सहभागिनी है, जो मेरे साथ खेल रही है, जो मेरी पार्टनर है, वो कौन है, जूली नाम की लड़की है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो गेम्स हैं उसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी सब मिलकर के खेल रहे हैं, ठीक है। तो मम सहभागिनी जूली अस्ति, तो यहां तक हो गया। अब हम चलते हैं आगे, तो आगे कहता है कौन, प्रसन्ना, ठीक है। तो प्रसन्ना क्या कहता है, फिर प्रसन्ना कहता है एतत् अतिरिक्तम कबड्डी नियुद्धम क्रिकेटम पादकंदुकम हस्तकंदुकम चतुरंगः इत्यादयः स्पर्धाः भविष्यन्ति। केवल इतना ही नहीं बैडमिंटन होगा, इसके अलावा क्या क्या होगा कि कबड्डी, सभी जानते हैं कबड्डी, नियुद्धम जूडो कराटे, ठीक, क्रिकेट क्रिकेटम, पादकंदुकम मतलब पाद मतलब पैर, कंदुकम मतलब गेंद बॉल, तो फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल भी होगा, हस्त मतलब हाथ और कंदुकम मतलब गेंद, तो वॉलीबॉल भी होगा, फुटबॉल भी होगा और वॉलीबॉल भी होगा, चतुरंगः यानी कि चेस भी वहां पर खेला जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी स्पर्धाएं होंगी, प्रतियोगिताएं कॉम्पिटिशंस होंगे, ठीक। अच्छा, फिर इंद्र कहता है हमें कि तुम न क्रीडसि, तुम देखो यहां पर वयम के साथ महा, यूयम के साथ था, अह के साथ ती, आह के साथ अंति, तुम के साथ तुम न खेलसि, मां क्या तुम नहीं खेल रही हो, खेलसि, ठीक है, यहां क्या है तुम के साथ हमेशा सी, ठीक, तुम न खेलसि, तुम नहीं खेल रहे। तब उसने कहा तब भगनी तो मम पक्षे क्रीडति, तुम्हारी बहन तो मेरे साथ खेलती, तुम क्यों खेल रहे हो। हुमा नहीं मह्यम चलचित्रम रोचते, मुझको ये खेलने वेले में अच्छा नहीं लगता, मुझे तो बस पिक्चर देखना बहुत अच्छा लगता बस, परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि, मैं भागूंगी नहीं, घर नहीं जाकर, घर जाकर के मैं टीवी नहीं देखूंगी, क्या करूंगी, यहां पर रह करके दर्शक के रूप में आपका मनोबल बढ़ाऊंगी, ठीक है, आपको चेयर करूंगी, ओके, तो आपका गेम देखूंगी, तो यहीं पर रहूंगी, स्थास्यामि, ठीक है, अहम के साथ मी, स्थास्यामि, तो अहम के साथ सी, अगर अहम मतलब मैं की बात करते हैं, अहम स्थास्यामि,
श्यामी। मी आया ना, तो आपके साथ मी आम पठामी, अहम लिखामी, अहम पठिष्यामी, अहम लेखिष्यामी, तो मी आएगा। ठीक है, हम के साथ मी, तुम के साथ सी, आह के साथ अंतिम, वयम के साथ मह, यूयम के साथ थ, अह के साथ ती। ठीक हो गया, तो मैं यहीं पर रहूंगी। गेम देखूंगी आपका। फेकना, अहो पूरनः पुत्र अस्ति। बड़े आश्चर्य की बात है, हमारा परम मित्र जो कौन है, पूरन था, वो है कहाँ, लिख नहीं रहा। किम सह कस्यापि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति, क्या वो किसी भी प्रतिस्पर्धा में, किसी भी कंपटीशन में भाग नहीं ले रहा। रामचरण, स दृष्टुं न शक्नोति भो, वो देख नहीं सकता ना, थोड़ी इसकी आंखें कमजोर है, देख नहीं सकता, इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते, यानी क्योंकि वो देख नहीं सकता तो उसके पढ़ने के लिए तो विशेष प्रकार की व्यवस्था, यानी ब्रेल लिपि इत्यादि का प्रयोग कराया जाता है, किंतु क्रीड़ाए प्रबंध नास्ति, परंतु खेलने के लिए उनके जैसे गेम, यानी कि जो नहीं देख सकते, ठीक है, ऐसे लोगों के लिए क्या है कि विशेष प्रकार के खेल नहीं है हमारे विद्यालय में। हुमा अयम कथमपि न न्याय संगतः, हुमा कहती है ये किसी भी तरीके से जस्टिस नहीं हुआ, यानी कि न्याय संगत बात नहीं है, उनके लिए भी गेम होनी चाहिए, हम खेल रहे तो उनका भी तो मन करता होगा ना खेलने का। पूर्णः सक्षमः परम प्रबंधस्य अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति, ठीक है, पूर्ण और पूर्ण क्या है, सक्षम है, खेलने खेल तो सकता हो, परंतु क्या है, प्रबंधन के मैनेजमेंट के अभाव की वजह से ही वो खेलने में असमर्थ है। ठीक, न शक्नोति इंद्र, फिर इंद्र कहता है अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, हमारे वैसे बहुत सारे मित्र हैं, कौन से, वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, अन्यथा समर्थ शब्द आया, देखो क्या शब्द है, अन्यथा समर्थः, तानि अन्यथा समर्थानि, समर्थानि, ठीक है, वो अन्यथा समर्थ है वस्तुतः, तो यानी कि भिन्न तरीके से योग्य शब्द आया, तो भिन्न यानी कि डिफरेंटली एबल, किसी दूसरे तरीके से, जैसे किसी की आंख अगर कमजोर होती है या आंख से अंधा होता है तो उसकी दूसरी जो ज्ञान इंद्रिय है, ठीक है, जैसे पांच ज्ञान इंद्रियां हमारी कौन कौन सी, कान है जिससे हम सुनते हैं, आंख है जिससे हम देखते हैं, त्वचा है जिससे हम स्पर्श करते हैं, टच यानी कि ठंडा है कि गर्म है कि कैसा है, ठीक है, उसके बाद मुलायम है कि कठोर है, ये टच करते हैं, टच करके हमें नॉलेज होता है, ठीक है, उसके बाद नासिका है, नाक है, उससे हम ग्रहण करते हैं, सूंघते हैं, सुगंध है कि दुर्गंध है, जीभ है, जीभ से क्या करते हैं, जीभ से हमें पता चलता है खट्टा है कि मीठा है कि कड़वा है, ठीक, तो इस प्रकार से पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, इन ज्ञानेंद्रियों से, ज्ञान की इंद्रियां हैं, ठीक है, जिससे हमें ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, ठीक है, लेकिन इनमें से अगर कोई एक बंद हो गई, इसने काम करना बंद कर दिया, तो कोई दूसरी इंद्री जो होगी हमारी वो उससे डबल, जितनी पावर उसकी होती है उससे डबल पावर वाली हो जाती है, इसलिए उनको जिनकी एक इंद्री काम नहीं करती, जैसे कान से कोई बहरा है तो उसकी दूसरी इंद्री, चाहे वो नासिका है, चाहे वो आँख है, चाहे वो त्वचा है, तो वो ज़्यादा पावर के साथ काम करना शुरू कर देती है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, अन्यथा समर्थ कहा जाता है। तो उनने कहा कि वो खेलने में समर्थ होते हैं लेकिन वो क्या है, अन्यानि तु वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, वो अन्यथा समर्थ बच्चे होते हैं। फेकर कथयति, फिर फेकर कहता है अतः वयम सर्वे प्राचार्यम मिलामः, इस मुद्दे को लेकर के हम सभी बहुत जल्द क्या करेंगे, अपने प्रिंसिपल से मिलेंगे, तम कथयामः, उनसे कहेंगे शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, और उनसे हम कहेंगे तो हमारी बात मान लेंगे, और निश्चित ही अगला जब भी कंपटीशन होगा उसमें वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा कि जब शीघ्र ही वो भी क्या कर सकेंगे, व्यवस्था उनकी भी हो जाएगी तो वो भी हमारे साथ खेल सकेंगे। तो इस प्रकार का जो हमारा चैप्टर था क्रीड़ा स्पर्धा, यह संपन्न होता है। ठीक है, कल हम इस पाठ के शब्दार्थ आप खुद लिख लेंगे और इस पाठ के अभ्यास को लेकर के आपके बीच उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कार। ठीक है, निवेदन आपसे क्या है कि इस पाठ के माध्यम से सहज भाव एकता का जो प्रतीक है, यानी कि अपनी चिंता नहीं थी उनको, अपने उन दोस्तों की भी चिंता थी जो दोस्त खेल नहीं पा रहे थे, तो हमें सबकी क्या करनी चाहिए, चिंता करनी चाहिए।
सबके बारे में सोचना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए, ठीक है, अपने ही बारे में नहीं सोचना चाहिए, सामने वाले के बारे में सोचना चाहिए किसी भी विषय में, ठीक है, ये चीज हमें सिखाती है, ठीक है। तो टीम के साथ हम रहेंगे तो हमारा अच्छा ही होगा, ओके। तो इसी बात को पूरा करते हुए कल हम पुनः आपके बीच उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः।